नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दिष्टुर उपाध्याय। चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। हर रोज सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है और हजारों लोग संक्रमित हो रहे हैं। इस महामारी को रोकने के लिए हर देश अपने अपने हिसाब से बड़े बड़े कदम उठा रहा है। भारत में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक करीब 500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको देखते हुए कई राज्यों को लॉकडाउन कर दिया गया है। खासकर केंद्र और राज्य सरकारें धार्मिक स्थलों को तो लॉकडाउन से पहले ही बंद करने की घोषणा कर चुकी हैं, जिसके बाद से ही कई बड़े बड़े मंदिरों से लेकर गुरुद्वारे और चर्च बंद हैं। इसके बावजूद भी कुछ मस्जिदों के इमाम इस आदेश को मानने के लिए तैयार ही नहीं है और तरह तरह का तर्क देते हुए मस्जिदों में नमाज अदा करा रहे हैं। ऐसे हालातों में इमामों की इस तरह की हरकत को देखते हुए पुलिस ने भी अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र में दोपहर की नमाज के लिए मस्जिदों से अजान हुई और लोग नमाज पढ़ने पहुंचने लगे। जब सरकार के आदेश का खुलेआम उल्लंघन हुआ तो भिवंडी शहर पुलिस ने आज बीबी मस्जिद के पदाधिकारी को खिलाफ कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने लॉकडाउन की जानकारी देते हुए शहर के सभी धार्मिक स्थलों पर जमा न होने की बात कही थी। उन्होंने मस्जिदों के पदाधिकारियों से नमाज के समय सिर्फ अजान करके लोगों को जानकारी देने का अनुरोध किया था और नमाज घरों में पढ़ने की बात कही थी। बावजूद इसके आईसीबीबी मस्जिद में नमाज अदा करने वालों की भीड़ लग गई और इसके बाद भिवंडी शहर पुलिस ने आईसीबीबी मस्जिद के अध्यक्ष गुलाम अहमद खान, कोषाध्यक्ष मरगूब हसन अंसारी, सदस्य मो हबीब अंसारी और हजरत अली अंसारी सहित मस्जिद के अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 144 और आईपीसी की धारा 188, 269 सहित राष्ट्रीय आपदा उल्लंघन अधिनियम 2005 की धारा 51B के तहत मामला दर्ज किया है। गौर करने वाली बात तो ये भी है कि पश्चिम एशिया की कई बड़ी मस्जिदों में नमाज पर रोक लगा दी गई है, मगर फिर भी भारत में कुछ जाहिल लोग हैं जो मानने को तैयार ही नहीं है। तो कुछ लोग कोरोना वायरस पर तरह तरह का ज्ञान देते हुए जाहिलियत का परिचय दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि कुरान से ही कोरोना निकला है और इससे अल्लाह ने भेजा है, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, हम लोगों पर जो जुल्म हुआ है उन्हें तबाह करने के लिए ये आया है। कुरान शरीफ में है ये कि एक बीमारी ऐसी आएगी जिसका नाम कोरोना होगा और हम लोग हमेशा तैयार रहे, मजबूत रहे। और आप ये सोच रहे हैं कि हमें कोरोना से डरा लेंगे, लेकिन मौत आना होगी, कहीं पे भी आ जाएगी, ठीक है। और हमें इस बीमारी से मत डराइए। अल्लाह ताला हमारा बहुत बड़ा गफूरुर रहीम है, उसने कोरोना वायरस को भेज दिया है इसलिए कि जो हम लोगों पे जुल्म ढा रहा है ना, उसी को अल्लाह ताला बुलाएगा। अब तो ये वो फैसला करेगा कौन रहेगा और कौन जाएगा। हम लोग यहाँ झुंड बना के खड़े हैं, हम लोगों को कुछ नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। कोरोना से हमें कोई डर नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला ने हम लोगों की हिफाजत के लिए सब कुछ रखा है। हम लोगों को सब कुछ पता है कि कोरोना ऐसी कोई बीमारी नहीं है। कोरोना से तो ये लोग डरे जिनको खुद डर हो। बेशक कोरोना पर ये लोग बेतुका का ज्ञान दे रहे हो, मगर सच ये है कि कोरोना किसी का भी सगा नहीं है। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान और ईरान में जिस तरह से इस वायरस ने तबाही मचाई है तो फिर इनका ज्ञान वहां ठीक क्यों नहीं बैठ रहा है। इसलिए आप सभी से हमारी गुजारिश है कि जो लोग आपको बरगला रहे हैं या भड़का रहे हैं उनकी बातों में कतई ना आए, क्योंकि बीमारी किसी भी धर्म वंश जाति को देखकर नहीं लगती है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए वीकी न्यूज। शुक्रिया।